दोस्तों नमस्कार, मैं भजन जीने वाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली और प्रो आरएसआई में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 20 मार्च 2019, तो आइए एक्सपायरी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो चार्ट्स पे कुछ टेक्निकल फॉर्मेशन ऐसे हो रहे हैं या टेक्निकल एनालिसिस की फॉर्मेशन ऐसी हो रही है जो मुझे बताती है कि हो सकता है आज की एक्सपायरी थोड़ी बेयर्स के फेवर में हो या ऑप्शन सेलर्स के फेवर में हो। ये कैसे मैं ये एनालिसिस करते हैं, पहले चार्ट पे देखते हैं। ये मेरी कोई आपसे सुझाव नहीं है, ये चार्ट के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अब अगर आप चार्ट पे देखोगे, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे आप देखोगे पिछले 13 सेशन से जो बैंक निफ्टी है वो हायर हाइज बनाते जा रही है। तो ये देखिए 28 तारीख से लेके जो लास्ट 19 तारीख तक भी बैंक निफ्टी ने हायर हाइज बनाई है लगातार 13 सेशन। तो इस फीचर को रिकॉर्ड सेशन काउंट कहा जाता है। स्टीव निसॉन ने अपनी बुक में लिखा था कि अगर ऐसा अगर आपको दिखे और इसके बाद अगर आपके पास कोई बेरिश सिग्नल आए तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है वो एक डायरेक्शन में ओवर एक्सटेंडेड है, एक डायरेक्शन में ओवरबॉट हो रखी है। और अगर ऐसा अगर आपको फॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है करेक्शन आए। तो मैं ये आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम स्विच करेंगे आवर्ली चार्ट पे, उस पर आपको दिखाऊंगे कि वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जो मुझे बता रही है कि शायद ये रिकॉर्ड सेशन काउंट जो है वो वैलिड हो जाए। लेकिन आप अगर इधर में देखो तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे टैग कर रही है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड सेशन काउंट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कैंडल स्टिक्स में। सबसे जरूरी जो चीज बात मैं करना चाह रहा था वो चीज है रिकॉर्ड सेशन काउंट, जहां पर यह ऑब्जर्व किया गया है कि अगर लगातार ऐसे हायर हाइज बनते रहे कुछ दिनों तक तो ये बोला जाता है कि जो ट्रेंड है एक डायरेक्शन में ओवरबॉट है। हालांकि मोमेंटम में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू देखिए 81.52, इस कैंडल पर आरएसआई की वैल्यू देखिए 82.88 और इस कैंडल की आरएसआई वैल्यू देखिए 83.57। तो कहीं पर भी कोई भी तरीके के डाइवर्जेंस नहीं है, ना कोई भी तरीके का कमजोरी है। तो फिलहाल सिर्फ इसके बेसिस पे बिना कंफर्मेशन के हम निफ्टी पे शॉर्ट या बैंक निफ्टी पे शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखो तो आरएसआई भी बहुत आरएसआई 83 के पास है। अब बुल मार्केट में जो रेंज होता है आरएसआई का वो 80-40 होता है। तो अभी मार्केट बुल मार्केट के हिसाब से आरएसआई ओवरबॉट पे है। और ये देखिए मैंने एमएफआई प्लॉट किए, एमएफआई भी जो है वो भी ऊपर 80 के ऊपर है। एमएफआई मैंने क्यों प्लॉट किए मैं आपको आवर्ली चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से स्विच करते हैं आवर्ली चार्ट पे और देखते हैं कि आज की एक्सपायरी के बारे में कोई क्लू हमें आरएसआई या आवर्ली चार्ट दे सकता है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये आवर्ली चार्ट है बैंक निफ्टी का और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था स्पेशली वो था एक डाइवर्जेंस यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो मुझे दिखाई दे रहा है आवर्ली चार्ट में। हालांकि डेली चार्ट पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये आवर्ली चार्ट से मुझे एक डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। ये जो डाइवर्जेंस है ये अभी तक जो है बैंक निफ्टी इसे नेगेट नहीं कर पाई है। नेगेट से मेरा मतलब होता है कि प्रीवियस पीक को नहीं तोड़ पाई है ऊपर जाके। तो ये जो डाइवर्जेंस है हो सकता है ये डाइवर्जेंस लीड करे बैंक निफ्टी को एक करेक्शन के लिए। और आप देखोगे तो ये जो वोलेटिलिटी बैंड है ये भी स्क्वीज होना शुरू करने कर चुकी है। तो ये थोड़ा बहुत क्यू देता है हमें कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा नरम या साइडवेज बंद हो, ऊपर बंद ना हो। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है ना, मेरी औकात है मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करूं और ना मैं उतना कैपेबल हूं मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करूं। टेक्निकल एनालिसिस के स्टडीज के बल पे जो मैं आपके साथ बता सकता हूं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, ये है एमएफआई। अब एमएफआई क्या करता है, एमएफआई जो होता है आरएसआई का ही डेरिवेटिव है लेकिन इसमें जो है वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है। तो भले मैं अगर ये आरएसआई के डाइवर्जेंस में मैं बेसिक ध्यान नहीं देता, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मोमेंटम श्रिंक करता है लेकिन जो वॉल्यूम्स रहती है, जो पावर रहती है वो बराबर बनी रहती है। लेकिन जब एमएफआई श्रिंक करता है या एमएफआई जब डाइवर्जेंस लेता है तब कई बार मुझे सोचने पर यह मजबूर कर देता है कि हो सकता है कि यहाँ जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रही है, यानी कि वॉल्यूम्स भी घट रही है। तो ये हमें बता देता है कई बार कि यह जो डाइवर्जेंस है हो सकता है असर कर जाए और थोड़ी बहुत करेक्शन जो है बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है और बिना कंफर्मेशन के हमें कुछ नहीं करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड हमें करना है, तो अगर हमें करना है तो इस कैंडल के लो को तोड़ने का हमें वेट करना पड़ेगा। ये कैंडल का लो टूटने के बाद ही कुछ हो सकता है और उसके बाद हम इस पर फिबोनैकी लगाएंगे और अपने सपोर्ट के लेवल को ढूंढेंगे।
आउटराइट शॉर्ट मार्केट में अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट शॉर्ट की मार्केट तो है ही नहीं। तो अगर वो कैंडल का लो टूट जाता है तो इंट्राडे हमारे पास दो सपोर्ट लेवल मिलते हैं हमें, वो है 29,148 का और दूसरा सपोर्ट लेवल होता है 28,687 का। तो ये दो सपोर्ट लेवल हमें मिलते हैं अगर डेली का लो का सपोर्ट, डेली का लो जो है कैंडल का टूट जाता है और उसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है। तो इसका लो देखिए, इसका लो है 29,502, तो 300-400 पॉइंट का जो हमें फायदा मिल सकता है आर्ली चार्ट पे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस समय दिन के किस समय ये लो टूटता है, ठीक है। अगर तीन बजे के करीब टूटे तो उस समय हमें वहाँ पर ऑप्शन में ट्रेड करके, वीकली ऑप्शन में ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। जल्दी अगर टूट जाए तो हाँ कुछ फ़ायदा हमें हो सकता है। तो दोस्तों इस एनालिसिस को ध्यान में रख के आप अपनी एनालिसिस जो है इसके साथ जोड़िए और देखिए आप कैसे वीकली ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो हमें थम्स अप जरूर देना, जरूर दीजिए, एक थम्स अप बनता है। ये एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, जैसे लोगों तक पहुँचाइए कि सब बेनिफिट ले सके टेक्निकल एनालिसिस का। मैं जल्दी आपके पास आऊँगा एक नया एनालिसिस लेके नेक्स्ट डे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ट्रेड वेल।